हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के प्री मैच एनालिसिस में हम बात करेंगे तमिलनाडु प्रीमियर लीग के हमारे अपकमिंग कॉन्टेस्ट की। भाई सेलम स्पार्टन्स के सामने होगी ट्रिकी वॉरियर्स। भाई ये है हमारा सेवेंथ मुकाबला जो NPR कॉलेज ग्राउंड डिंडीगुल में खेला जाएगा। अब दोस्तों इस मुकाबले से जुड़ी A to Z डिटेल्ड अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, साथ ही साथ कुछ ऐसे खास खिलाड़ियों के नाम मिलेंगे जिन्हें आप अपनी फैंटेसी टीम में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेन्यू एनालिसिस के साथ, जहां डिंडीगुल में अभी तक 57 मुकाबले T20 फॉर्मेट के खेले जा चुके हैं, 25 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो वहीं 32 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने अपने नाम करे हैं। एवरेज स्कोर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का रहता है 159 रन। हाईएस्ट स्कोर की बात करी जाए तो नेल्लई रॉयल किंग्स ने 209 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट स्कोर रहा है मदुरई पैंथर्स का जिन्होंने 10 विकेट पर 59 रन अपने खाते में जोड़े थे। यहां पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे का स्कोर 23 बार बनाया गया है, 150 से 170 के बीच का स्कोर 11 बार, तो वहीं 170 से 190 के बीच का स्कोर 14 बार बनाया गया है, और अब 190 का स्कोर 9 बार बनाया जा चुका है। यह है पूरा लेखा जोखा वेन्यू एनालिसिस का। इस TNPL डिंडीगुल में यह पहला मुकाबला होगा। अब बात करी जाए दोनों टीम्स की, तो सेलम स्पार्टन्स और ट्रिकी वॉरियर्स दोनों ही छठी और पांचवी पोजीशन पर हमें नजर आती है। दोनों ने ही एक एक मुकाबला खेला है और दोनों ही मैचेस हारे हैं। यहां पर नेट रन रेट के लिहाज से सेलम स्पार्टन्स थोड़ा और नीचे नजर आती है। खैर अगर बात करी जाए करंट कंडीशन की, तो सेलम स्पार्टन्स की ओर से अभिषेक, कौशिक गांधी, मोकित हरिहरन, अमित सात्विक, मान बाफना, सनी साधु, अभिषेक तनवर, मोहम्मद अदनान खान, सचिन राठी, गणेश मूर्ति, आकाश सुमरा हमें खेलते नजर आ सकते हैं। दोस्तों स्पार्टन्स की टीम में बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो सनी साधु ने 2 विकेट निकाले थे चेपक सुपर गिलीज के खिलाफ, तो वहीं सुपर गिलीज के खिलाफ मोकित हरिहरन ने 1 विकेट अपने खाते में जोड़ा था। इसके अलावा 14 रन भी हरिहरन के नाम रहे थे। लेकिन अगर हम बैटर्स की बात करें तो टॉप ऑर्डर में हमें मिलते हैं कौशिक गांधी जिन्होंने 23 रन बनाए थे, तो वहीं लोअर ऑर्डर में मोहम्मद अदनान खान 47 रन बनाने में सक्सेसफुल रहे थे। तो दोस्तों ये होती है बात सेलम स्पार्टन्स की, जहां पे टीम डिसेंट नजर आती है, बट अगर हम इनके ओपोनेंट्स की तरफ नजर डालें यानी कि ट्रिकी वॉरियर्स पर, तो गंगा श्रीधर राजू, जाफर जमाल, डायरल फरारियो, अक्षय श्रीनिवासन, मनी भारती, एंटोनी दास, आर राजकुमार, एम शाहजहां, आर सिलंबरासन, आर अलेक्जेंडर और टी नटराजन खेलते नजर आ सकते हैं। दोस्तों बॉलिंग अटैक काफी सॉर्टेड है बिकॉज टी नटराजन, आर सिलंबरासन और अलेक्जेंडर तीनों ने ही एक एक विकेट निकाले हैं। वहीं अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो यहां पे टीम सफर करती नजर आती है एज सेलम स्पार्टन। दोस्तों गंगा श्रीधर राजू टॉप ऑर्डर में डिंडीगुल के खिलाफ 48 रन बनाने में सक्सेसफुल रहे थे, वहीं राजकुमार ने 39 रन की पारी खेली थी। इनके अलावा कोई और बल्लेबाज हमें सक्सेसफुल लगा नहीं है, तो ऐसे में ये मुकाबला हमें कांटे की टक्कर का जरूर नजर आने वाला है। देखना होगा दिलचस्प कि आखिर कौन सी टीम यहां पर पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करना चूज करती है, क्योंकि टॉस के लिहाज से सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का यहां पर बोलबाला रहता है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे, और जिन खिलाड़ियों के स्टैट्स आपके साथ साझा किए हैं जो प्रोबेबली बेस्ट प्लेयर्स हैं उन्हें आप अपनी फैंटेसी टीम का भी हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों जहां दोनों ही टीम्स अपना पहला मुकाबला हारी हैं, तो ऐसे में आपके लिहाज से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिर कौन सी टीम यहां पर बाजी मारेगी, जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम, लेकिन क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको यहां पर मिलती रहेंगी, तो उसके लिए फटाफट से क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें जिससे आप क्रिकेट की अपडेट से दूर ना रहें।